हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका बिगनर प्रोग्रामिंग सीरीज जिसमें हम HTML 5 सीख रहे हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे CSS यानी कास्केडिंग स्टाइल शीट के बारे में। CSS होता क्या है, हम इसका यूज अपने HTML में कैसे करते हैं, बेसिकली इसका HTML में क्या अहमियत है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानेंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले CSS क्या है। दोस्तों, CSS के बिना HTML कुछ भी नहीं है। अगर आप एक HTML की अगर मैं आपको कोडिंग करके दे दूं, तो CSS के बिना उसका कोई अहमियत ही नहीं होगा, वो बिल्कुल सही से दिखाई ही नहीं देगा। CSS से हम डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ पे हम काफ़ी सारी चीज़ें, वेट, हाइट, कलर, उसको टेक्स्ट डेकोरेशन, काफ़ी सारी चीज़ें हम CSS से उसको देते हैं, तब जाके एक ब्यूटीफुल हमारा डिज़ाइन बनता है। तो हालांकि अब तो CSS3 में एनिमेशन भी जुड़ चुका है, ठीक है ना, तो इससे काफ़ी ज़्यादा हमारा वेबसाइट का लुक और बढ़ जाता है। तो बिना CSS का HTML कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। अब हम जान लेते हैं कि CSS हम कितने टाइप के यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम जानें कि अपने वेबसाइट में CSS का यूज हम कितने टाइप से कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। आप देख सकते हैं मैं छोटा सा यहाँ पर थ्योरी बनाया हुआ है। बेसिकली मैं वहाँ पर थ्योरी पढ़ाता नहीं हूँ, बट एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए दे सकता हूँ, क्योंकि जब भी मैं आपको प्रैक्टिकल पढ़ाऊँ तो आपको समझ में आए। आप देख सकते हैं टाइप ऑफ CSS। पहले CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। उसके बाद से कास्केडिंग स्टाइल शीट इसका यूज़ क्या होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, कास्केडिंग स्टाइल शीट यानी CSS इज यूज टू सेट द स्टाइल इन वेब पेज विच कंटेंट HTML एलिमेंट। इट सेट्स द बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, कलर, etc प्रॉपर्टी of elements in the web pages. There are three types CSS which are given below. तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका यूज हम HTML के एलिमेंट में करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, ठीक है ना, फॉन्ट साइज का हमारा फैमिली कैसा होना चाहिए, फर्स्ट फॉन्ट्स के स्टाइल कैसी होनी चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, एंड काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज के एलिमेंट हम वेब पेज व्यू के लिए हम दे सकते हैं। तो CSS के टाइप यहाँ देख सकते हैं आप, तीन टाइप होते हैं। पहला इनलाइन CSS, उसके बाद से इंटरनल और एम्बेडेड CSS और एक्सटर्नल CSS। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो हमने दो चीज़ें पहले ही सीख ली है, पहला इनलाइन CSS, इंटरनल और एम्बेडेड CSS, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें बताऊँगा, ठीक है ना, इससे हालांकि होता क्या है। तो चलिए एक छोटा सा हम यहाँ पर नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा इनलाइन CSS। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनलाइन CSS, तो ये इनलाइन CSS कंटेन द CSS प्रॉपर्टीज यूज इन द बॉडी सेक्शन। या जो हमारा इनलाइन CSS है इसका हम यूज बॉडी सेक्शन में करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पी है जिसका यहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें मैंने एक इजी वे लिखा हुआ है, ठीक, उसमें स्टाइल यहाँ पे टैग यूज़ किया हुआ है, स्टाइल कलर यहाँ पे देख सकते हैं, फॉन्ट साइज देख सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल देख सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं इनलाइन CSS, जो कि आप पढ़ चुके हैं पिछले ट्यूटोरियल में। उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरनल और एम्बेडेड CSS, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, हेड टैग में होता है, जो कि आप पढ़ चुके हैं पहले ही। आप देख सकते हैं यहाँ पे हेड टैग में आप देख सकते हैं टाइटल दिया हुआ है, ठीक है ना, उसके बाद से स्टाइल दिया गया है, ठीक वहीं जो पैराग्राफ में मैंने इसी भी नाम लिखा हुआ था उसी को यहाँ पे पी दे करके यानी पैराग्राफ दे करके उसका सारा यहाँ पे कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल एंड टेक्स्ट अलाइन ये कुछ दिए गए हैं यहाँ पे। उसके बाद से आता है एक्सटर्नल CSS। फ्रेंड्स, एक्सटर्नल CSS बहुत ही ज़्यादा यूजेस होता है, ठीक है ना, उसे मैं भी यूज़ करता हूँ, सारे प्रोग्रामिंग करते हैं यूज़, जितने भी प्रोग्रामर हैं यहाँ पे ऑल अबाउट इन द वर्ल्ड, ठीक है, सबके सब यहाँ पे एक्सटर्नल CSS का यूज़ करते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए एक्सटर्नल CSS बहुत ही मोस्ट होता है, और एक डेवलपर को समझने के लिए, अपने CSS को ढूंढने के लिए एक्सटर्नल CSS काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप देख सकते हैं ये एक्सटर्नल CSS यूज़ कैसे होता है, यह हमारा जिसमें यूज इन हेड टैग बट लिंक अनदर फाइल वेब फाइल एक्सटेंशन .css लाइक स्टाइल .css, यह हमारा हेड टैग में होता है लेकिन ना कि स्टाइल टैग से, यह एक फाइल लिंक करनी होती है हमारी हेड टैग में, जिसका आप देख सकते हैं यहाँ पे लिंक href एंड हाइपर रेफरेंस सोर्स यानी उस फाइल का नाम और फाइल नेम .css यानी जिस नाम से वो CSS फाइल है, ठीक है ना, CSS फाइल जो हमारी होगी वो .extension css होगी, यानी .css नाम से वो होगी वो फाइल नेम, जिसका टाइप होगा text/css, बाकी हम अपने वीडियो में देख लेंगे प्रैक्टिकल में।
तो चलिए अब हम क्या करते हैं, चलते हैं अब इसको प्रैक्टिकली जान लेते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मुन्ना पटेल, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, आप देख सकते हैं यहां पे एचटीएमएल 5 नाम का फोल्डर बनाया हुआ है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद यहां पे ऑप्शंस क्लिक करूंगा और यहां पे ओपन एज ब्रैकेट प्रोजेक्ट पे मैं यहां पे क्लिक कर दूंगा। इससे क्या हुआ कि इस फोल्डर को मेरा ब्रैकेट सिलेक्ट कर लेगा। हालांकि मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं कि आप देख सकते हैं एचटीएमएल 5 नाम यहां पे फोल्डर सिलेक्टेड हो गया। उसके बाद से मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसे थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे जब भी फाइल बने आपको दिखाई देगा। यहाँ से एक न्यू क्रिएट कर लेता हूँ, कंट्रोल एस करूँगा, ठीक है ना, या फिर यहाँ पे सेव भी आप कर सकते हैं जा करके, ठीक है। अब जस्ट इसको मैं एक नाम देता हूँ, index.html। गाइस, देन यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे एक html नाम की इंडेक्स बन के आ गई। अब मैं क्या करता हूँ कि इसे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे index.html लिखा हुआ आ रहा है। अब सबसे पहले हम इसे चेंज कर लेते हैं, तो अब मैं इसे छोटा कर लेता हूँ, इधर कोने में रख देता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी आएगी। ओके, अब यहाँ पे हम आते हैं अपने ब्रैकेट में, यहाँ पे नॉट लूँगा एंड देन टैब प्रेस करूँगा। अब देख सकते हैं सडनली मेरा html का पूरा यहाँ पे ढांचा क्रिएट होकर के आ गया। ये क्यों होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक इमेज नाम का एक्सटेंशन इसमें इंस्टॉल किया हुआ अपने ब्रैकेट में, इसलिए। अब मैं इसे जस्ट सेव करूँगा और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आ रहा है। अब यहाँ पे हम इनलाइन सीएसएस पढ़ना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम इनलाइन सीएसएस लिख देते हैं, ठीक है। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे इनलाइन सीएसएस यहाँ पे टाइटल मेरा बन के आ गया। अब इनलाइन सीएसएस को जानने के लिए आप पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, कितनी बार मैंने आपको बताया भी, यहाँ पे किसी भी टैग के अंदर हम सीएसएस का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे एक पी टैग लिया है मैंने, इस पी टैग को मैं यहाँ पे अगर ईजी वे लिख दूँ तो कंट्रोल एस करूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे ईजी मेरा लिखा हुआ आ गया। तब इनलाइन सीएसएस यूज़ करने के लिए अब हम इसे जानते हैं कि पी टैग के अंदर, इसी लाइन के अंदर, इसको इनलाइन बोलते हैं, पी टैग के अंदर हम एक स्टाइल टैग लेंगे, इसका कलर हम ले लेंगे, क्या लेंगे, रेड ले लेते हैं। ओके, कंट्रोल एस करके अगर रिफ्रेश करो यहाँ पे तो इसका कलर यहाँ पे रेड हो जाएगा। अब इसकी फॉन्ट की साइज़ को हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है जी, फॉन्ट साइज़, ठीक है, तो साइज़ यहाँ पे 30 पिक्सल मैं ले लेता हूँ। कंट्रोल एस करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे 30 पिक्सल हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं जस्ट इसे नीचे कर देता हूँ, ओके गुड। अब मैं इसी के अंदर फॉन्ट साइज़ तो मैंने 30 पिक्सल दे दिया, अब मैं यहाँ पे एक आता है टेक्स्ट अलाइन, ठीक है ना, उसको मैं सेंटर कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल एस करने के बाद रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे टेक्स्ट आप देख सकते हैं ना सेंटर हो जाता है। जस्ट मैं इसे यहाँ से अगर फुल विड्थ में करूँ देखेंगे यहाँ पे सेंटर में आ गया है, ठीक है, गुड वन, ठीक है। एक और चीज़ आता है यहाँ पे, वैसे काफ़ी सारे सीएसएस हैं, फॉन्ट फैमिली, ठीक है ना, तो फॉन्ट यहाँ पे फैमिली अगर फॉन्ट की स्टाइल देना चाहूँ तो काई भी यहाँ पे आता है कि कर्सिव, कि फैंटेस्टी, इनहेरिट, बहुत सारे आता है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे कर्सिव करके देखूँ तो देखते हैं स्टाइल कैसा होता है, कंट्रोल एस करूँगा, ठीक है, आप देखेंगे ना यहाँ पे कर्सिव हो गया। तो आप सारे यहाँ पे स्टाइल यूज़ कर सकते हैं, और भी आप कर सकते हैं गूगल फॉन्ट यूज़ करके, वो भी मैं आपको बताऊंगा गूगल फॉन्ट हम यूज़ कैसे करते हैं और अपने फॉन्ट को एक अच्छा खासा स्टाइल कैसे देते हैं, ठीक है। फिलहाल ये हो गया हमारा यहाँ पे इनलाइन सीएसएस, ठीक है ना। और एक और आता है उसके बाद से हमारा सेकेंड हमारा है कि इंटरनल और एम्बेडेड सीएसएस, ठीक है ना। तो चलिए हम उसके बारे में भी अब जान ही लेते हैं। यहाँ पे इंटरनल एम्बेडेड सीएसएस यूज़ करने के लिए सिंपल सा आपको यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो जस्ट आप यहाँ पर जाएंगे और एक स्टाइल टैग लेंगे, ठीक है जी, स्टाइल टैग, गुड वन, और मैं यहाँ पे इसकी लिख देता हूँ इंटरनल और एम्बेडेड सीएसएस, ठीक है जी, तो इंटरनल और एम्बेडेड सीएसएस, ओके गाइस, इसे मैं सीएसएस हटाता हूँ, कंट्रोल एस एंड देन रिफ्रेश, ओके हो गया इंटरनल और एम्बेडेड सीएसएस। इस सी एस एस के अंदर जैसे यहाँ पे स्टाइल हो गया, ठीक है ना, इस स्टाइल के अंदर हम सी एस एस यूज़ कर लेंगे। बस मैंने इसे यहाँ से
कट किया, गुड वन। कट करने के बाद मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल एस कर लेता हूँ, इस टेक्स्ट को मैं सही ढंग से यहाँ से कर लेता हूँ, कंट्रोल एस करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, आप देखेंगे फिर वहीं का वहीं यहाँ पे आ गया। अभी सी एस एस के अंदर यहाँ पे पी टैग पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा मैं सही ढंग से दिखा देता हूँ आपको। ओके, इंटर फॉन्ट फैमिली कर्सिव। अब मैं इसे कंट्रोल एस कर लेता हूँ और रिफ्रेश करूँगा, तो आप देखेंगे वहीं का वहीं यहाँ पे आ गया। अब मेरा थर्ड आता है एक्सटर्नल सी एस एस, उसको मैं यहाँ पे अब देता हूँ एक्सटर्नल सी एस एस, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसी को हम यूज़ करने वाले हैं एक्सटर्नल सी एस एस में। फिलहाल मैं इसे यहाँ से काफ़ी इंटरप्रेस करके नीचे की तरफ ला देता हूँ, ठीक है गाइस, इसे मैं छोटा कर लेता हूँ। अब हमें एक एक्सटर्नल फाइल यूज़ करनी है, तो मैं सबसे पहले आपको समझाने के लिए मैं इसे नीचे की तरफ कर लूँगा, ठीक है जी, यहाँ पे, और इस फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ, एक्सटर्नल यानी आपको एक बाहरी फाइल, यानी इस फाइल को छोड़ करके एक्सटर्नल फाइल, ठीक है ना। हमेशा एक्सटर्नल का नाम होता है कोई दूसरा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं कि नया फाइल क्रिएट करेंगे, तो न्यू पे मैं गया, न्यू पे मैं इसे सेव कर लूँगा, ठीक है ना, सेव करूँगा, ठीक है। सेव को इसको मैं यहाँ पे एक नाम दूँगा, इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे एक स्टाइल दे देते हैं क्योंकि हम स्टाइल करने वाले हैं, और इसका एक्सटेंशन जैसा कि आपने पढ़ा था .css होना चाहिए, कास्केडिंग स्टाइल सीट। अब मैं सेव करूँगा, अब आप देखेंगे जैसे मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे एक और फाइल बन के आ गया style.css, इसका कुछ इस तरह का बन के आ गया। अभी ये मेरा यहाँ पे ओपन है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो पूरा का पूरा यहाँ पे हमने स्टाइल किया हुआ था, इसे मैं यहाँ से कट करूँगा। कट करने के बाद मैं .css में आकर के इसे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है ना। ये मेरा पेस्ट हो गया, इसे मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है जी। और मैं यहाँ पे जा कर के इसे यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अभी मेरा यहाँ से हट गया, इसे मैं बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ। सेव किया मैंने, यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ, वाह ये तो यहाँ से हट गया, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे CSS काम नहीं कर रहा है। तो क्यों काम नहीं कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने उस फाइल को लिंक नहीं दिया हुआ। ये फाइल तो यहाँ पे है मेरा, लेकिन इस फाइल में उस फाइल को हमें अटैच करना होता है, तभी जा कर के वो फाइल चलती है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे आएंगे तो एक लिंक नाम का हमारा यहाँ पे टैग चलाते हैं, जिससे यहाँ पे अब लिंक देख सकते हैं। इसको एक हाइपर रेफरेंस यहाँ पे इसे लिंक देते हैं, तो href, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं style.css का ये नाम का फोल्डर है, मैं इसे यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद से हमें टाइप देनी होती है, किस टाइप की फाइल है, तो यहाँ पे टेक्स्ट है .css है, ओके गाइस। उसके बाद से हम इसका एक रिलेशन तय करते हैं, रिलेशन हमारा क्या है, तो स्टाइल सीट है, ठीक है। अभी मेरा काम हो गया, इतने में हमारा काम हो गया। अब मैं ऐसे सेव कर लेता हूँ, ये फाइल मेरी यहाँ पे अटैच हो गई। अब यहाँ पे आ करके अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ, आप देखेंगे काम करने लगा, ठीक है जी। देखता हूँ कौन सा है, अब मैं इसे यहाँ से मिनिमाइज़ कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरा काम करने लगा, मैं इसे बड़ा वेट करके देखूँ, आप देखेंगे ना ये काम कर रहा है। अब हम क्या करते हैं कि जस्ट यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि जस्ट मैं स्टाइल खोल लेता हूँ। अब आप थोड़ा सा समझने के लिए इस रेट को हम क्या करते हैं, ऑरेंज करते हैं, ठीक है ना। वाकई में हमारा काम कर रहा है ना, एस करता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, आप देखेंगे ऑरेंज हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे सेंटर की जगह मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, ठीक है ना। सी एस एस से मैंने बताया था ना आपको कि सी एस एस के बिना कुछ भी नहीं है HTML। आप देखेंगे राइट ना, तो अपने आप पे राइट हो गया। क्या आप HTML के थ्रू आप राइट कर सकते थे, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, विदाउट सी एस एस के आप कुछ नहीं कर सकते, ओके जी। अब मैं इसे कहता हूँ कि आप लेफ्ट हो जाइए, ठीक है, कंट्रोल एस, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, ठीक है ना गाइस। मैं आपको बता दूँ कि जस्ट मैं इसे राइट रहने देता हूँ, ओके, और मैं इसे रिफ्रेश करूँ। अगर आपके पास दो तीन सी एस एस हो, यानी जैसा कि मेरे पास एक ये पी टैग हो गया, एक दूसरा पी टैग है, ठीक है ना, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दूँ इसमें इंडिया, कंट्रोल एस करूँ, ठीक है ना। तो अगर मैं इस यहाँ पर रिफ्रेश करूँ, आप देखेंगे इंडिया भी मेरा यहाँ पर राइट में आ गया, ठीक है ना।
इसे हम CSS यूज करके भी हम इसे लेफ्ट में कर सकते हैं। मैं चाहूँ ये राइट में हो, ये लेफ्ट में हो और एक सेंटर में हो, वो हम यूज़ करेंगे जब हम यहाँ पे डीप पढ़ेंगे या फिर ID पढ़ेंगे या फिर क्लासेस पढ़ेंगे, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों में हम इसका यूज़ करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आपने सीख लिया हमारा CSS कितने टाइप का होता है और हम इसे यूज़ कितने टाइप से कर सकते हैं, ठीक है ना, और कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ, अगली वीडियो के साथ। एंड थैंक यू सो मच। ये वीडियो देखने के लिए अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं अपनी अच्छी वीडियो के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर।